इटावा में बढ़ते अपराध का आलम यह है कि अब आम तो आम खास लोग भी अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी विधायक के घर पर फायरिंग की और पथराव किया। यही नहीं, बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने गई हुई थी। कुछ अज्ञात लोग थे, अब वो कौन थे ये तो नहीं पता है, और मैं ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया हुआ था कानपुर, माता जी दिल्ली बैठक थी उसमें गई हुई थी। इसकी तहरीर वगैरह अब दे दी है और कहा है कि जो अज्ञात लोग हैं और जो इन्होंने ये घटना की है उनको जल्द से पता लगाया जाए। फायरिंग में, हमले में कोई नुकसान आपका? नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये है फायरिंग करके अंधेरा था, फायरिंग करके दो बार वो भाग गई। गाड़ी का शीशा वगैरह? हाँ, शीशा वगैरह भी तोड़ दिया। नहीं गए फायरिंग बता रहे, एक जने दो फायरिंग की, दो राउंड? हाँ, दो राउंड उसने तमंचे से फायरिंग की रुक रुक के। वहीं घटना के बाद लोगों में काफी दहशत का माहौल है और पुलिस जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।